जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, एक टॉपिक है क्रोमोसोम, अर्थात उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुण सूत्र, है ना। तो देखिए, ये जो गुण सूत्र होता है ये सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में ये गुण सूत्र देखने को मिलता है। तो हम लोग आज उसमें समझेंगे थोड़ा सा कि कुछ सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ सेलेक्टेड स्पीसीज मतलब है, उनमें कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कह लीजिए, है ना। तो देखिए, क्रोमोसोम को लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समझिए, गुणसूत्र बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, अब इसका कोई स्थान क्या है कि हमारे सेल के अंदर, मतलब जो भी जिसकी भी सेल होती है जीवों की, सबके सेल के अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है, क्रोमोसोम। अब ये देखिए, ये एक, यहाँ से समझिए, ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, एक पूरा एक कंप्लीट सेल है। और इस सेल के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर इसको ऐसे बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये क्रोमोसोम ये नज़र आ रहा है, क्रोमोसोम, बस समझ आई, ये क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। अब इसी क्रोमोसोम से आगे चल के डीएनए बनते हैं, मतलब जो हमारा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो बनता है। तो अब ये क्रोमोसोम जो होता है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन में आप लोग पता होगा 46 होता है, मतलब 23 पेयर, 23 पेयर होते हैं। तो अब ये इसी तरह से सब में अलग अलग होता है, तो हमको उसका नंबर आज थोड़ा समझना है कि इसमें कितने होते हैं। और अच्छा, उसको समझने से पहले एक बात और समझ लें, जैसे ह्यूमन में हम लोग बात करें तो ह्यूमन में ये 46 क्रोमोसोम होता है, और 46 में अगर बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन में ही बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, ह्यूमन में 46, और इसमें से देखिए, इसमें से ऐसे होते हैं जो 23 पेयर हैं, इसमें से 22 पेयर जो होते हैं, मतलब 22 जोड़ा जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम, और जो 1 पेयर है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये देखिए ह्यूमन में ये दो टाइप्स होता है, एक तो होगा एक्स यक्स और एक होता है एक्स वाई। अब यही थोड़ा सा देखिए डिपेंड, ये इससे ये सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, मतलब अगर एक्स एक्स जाएगा तो फीमेल, मतलब बेबी जो गर्ल होगी, और एक्स वाई जाएगा तो जो बेबी होगा वो बॉय होगा। खैर, तो ये 22 पेयर होता है, और एक ये पेयर 23, टोटल 23 पेयर होते हैं। तो अब इसी में से एक चीज़ और समझना है कि देखिए, जब कोई एक, मान लीजिए कंप्लीट बॉडी है, मान लीजिए कोई एक किसी भी बॉडी है, तो जब इससे गैमिट बनते हैं ना, तो गैमिट बनेगा, तो अगर ये मान लीजिए एक कोई मेल बॉडी है, मतलब एक मेल बॉडी है, नर की बॉडी है कह लीजिए, तो उसमें जब गैमेट बनेगा, मतलब ये रिप्रोडक्शन समय जब गैमेट बनता है, तो अगर इसके अंदर मान लीजिए इस बॉडी के अंदर, मतलब इस जीव के अंदर मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, तो जब उसका गैमेट बनेगा तो वो गैमेट इसके आधा बनेगा, अर्थात 46 होगा तो यहाँ हो जाएगा 23 क्रोमोसोम, बस में आई। तो इसी तरह से सभी ऑर्गेनिज्म में इस दो टाइप्स क्रोमोसोम होते हैं, एक उसी, अब इसको जो इसकी कंप्लीट बॉडी, इसको मतलब बोल सकते हैं ये 2n कंडीशन, मतलब डिप्लॉयड है ना। और ये वाला जो है तो है ये हैप्लॉयड कंडीशन है, बस समझ रहे, हैप्लॉयड मतलब जब ये गैमेट बन जाता है। अब ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, अपने मेन टॉपिक में आएंगे। तो इसमें हम लोग दो टाइप से, सभी में ध्यान दीजिएगा, सभी में इसके, जैसे इसमें 46 ह्यूमन बात में 46 और 23, इसे सभी में दो टाइप के गैमेट क्रोमोसोम होंगे। अब उनका उनका नंबर हम लोग देखिए समझते हैं, बस ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये कुछ टेबल बना हुआ है, इसी टेबल के माध्यम समझते हैं। एक्चुअली हमने कहा कि सभी में क्रोमोसोम होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आपको ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए आपकी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, इसलिए हम लोग इनके नंबर को समझ लेते हैं, बस में आई। बाकी तो जितने भी जीव हैं सबके होते हैं, सबको याद तो नहीं करना है, सबको याद भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पहला ह्यूमन बींग्स का आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे 46 अर्थात डिप्लॉयड कंडीशन, जब ये एक कंप्लीट ह्यूमन, जैसे हम लोग क्या, ये अभी कंप्लीट है,
अब जब मेरा गैमिट बनेगा रिप्रोडक्शन के समय, तो मेरे गैमिट का क्रोमोसोम जो होगा वो होगा 23, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर ऑफ इन गैमिट, है ना। इसी तरह से हाउस फ्लाई जो होती है, हाउस फ्लाई आप लोग जानते ही होंगे, है ना, उसका क्रोमोसोम नंबर टोटल 12 होता है, लेकिन जब पूछा जाए उससे गैमिट का, तो उस गैमिट का इसका आधा हो जाएगा 6, है ना। अब ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें याद करना है। इसमें बस रैट क्या है, रैट का होता है क्रोमोसोम नंबर 42, उससे गैमिट का क्या होगा 21, डॉग का क्या है 78 क्रोमोसोम नंबर, और उसका जब ये करेंगे हाफ गैमिट का तो आधा हो जाएगा 39, और कैट का क्या होता है कंप्लीट होता है 38, और इसका गैमिट में क्या होगा 19। फ्रूट फ्लाई क्या है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 8। देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, हाउस फ्लाई में क्रोमोसोम नंबर 12 और फ्रूट फ्लाई में क्रोमोसोम नंबर होता है 8, और इसे गैमेट में क्रोमोसोम नंबर होगा 4। इस तरह से ओफियम ग्लॉसम है ना, ये एक प्रकार का फर्न है, मतलब अब इसमें होता है 1260 क्रोमोसोम, और इसका गैमेट में होता है 630, इसका आधा। इसी तरह से एप्पल सेब में 34 क्रोमोसोम होते हैं, इसका आधा करेंगे गैमेट में 17, राइस में 24 और इसमें 12 गैमिट में, उसके मेज मतलब मक्का में 20 और उसके गैमिट में 10, पोटैटो 48 और उसका गैमिट 24, बटरफ्लाई 380 और उसके गैमिट में 190, और ये ओनियन है, ओनियन में 16 और इसका जो गैमिट होगा उसमें पाया जाएगा 8। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टेबल हुआ आपके क्रोमोसोम, मतलब किसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, जिसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा।